और सर मेरी एक फैंटेसी है, क्या मैं बोलूं? बोलो क्या। मैं चाहता हूं कि आप हमारी सुहाग रात में नीली चड्डी पहन के आए। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। देख आज फिर एक नए लड़के का मैसेज आया। तुझे पता है मुझे दिन के कितने लड़कों के मैसेज आते हैं? तुझे पता है कैफे और रेस्टोरेंट से ज्यादा रोड साइड की रेड़ी पे भीड़ क्यों होती है? क्योंकि वो सस्ते होते हैं। Exactly. वो लड़की समझी नहीं आप तक। So yo guys, क्या हाल है आपका? तो भाई अगेन आपका भाई आ चुका है बहुत सारे तगड़े तगड़े मीम्स लेकर। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग ये सब करोगे तो आप लोग का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा वीडियोस के ऊपर थोड़ा ज्यादा व्यूज आ जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट में अपना नाम भी लिख के बता सकते हो, देखते हैं मेरा नाम किसके नाम से मैच करता है। वैसे मेरा रियल नेम तो ये लोग को पता ही नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। तुम्हारी मर्जी है। जो काम बाप खुद नहीं कर सका वो बेटी से करवाना चाहता है? तुमने मुझे गलत समझा है, मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया था। अगर जिस्म दिखाने के लिए बुलवाया तो वो हमने देख लिया। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे। मैंने ऑलरेडी प्लान किया था। अच्छा बेबी, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इस बर्थडे में तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? अरे बेबी, यू आर माई गिफ्ट, हमको तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। ओह बेबी, तुम कितने स्वीट हो। अच्छा इस बर्थडे ना तू अपना गिफ्ट अनबॉक्स कर लेना। अबे माफी मांग, इतना याद रखना अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। क्या जोक मारा भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कैसा गुजरा ईद का पहला दिन? बहुत अच्छा है। अय्याशी की आपने? नहीं। मस्ती की? नहीं। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। मोहब्बत की कभी किसी से? नहीं। हिलाते हैं सिर्फ? मैं गिरा होया जमा नीचे बल्ली। काफी रिसर्च के बाद पता चला है कि हम अपने हाथ नहीं धोते बल्कि हाथ खुद एक दूसरे को धोते हैं, और हम सिर्फ देखते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तेजा के देह में खून ना, तेजाब दौड़े ना तेजाब। तोहर माई दूध के जगह पर तोहरा के बैटरी के पानी पियो ले दिया का। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ सूरज बताओ, क्योंकि बार बार मुझे यही पूछते रहते हैं। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि आप दोनों की शादी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी होगी। अब जब मुझे कोई भूख लगती है तो मैं यहाँ पे आके खाना खा लेता हूँ, जब मैं बोर और होता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जब मुझे कुछ मस्ती ऐसी करनी है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब जब मुझे बच्चे अच्छे चाहिए होंगे तो मैं आप दोनों से कह दूंगा कुछ बच्चे अच्छे पैदा करो यार, ताकि हम आके खेल सके उसके साथ। मैं भी डर गई हूँ इसके लिए। सो मैं फ्लैग बाबे, मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ, तुम क्यों रहना चाहते हो मेरे साथ? ये तो तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ ये। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हग के गुजरना, हग के गुजरना, हद से ना, हद से गुजर जाना है। कौन सा स्विच है मैम पंखे का? ये वाला। पानी मिल जाएगा गिलास पीने के लिए? हाँ हाँ मिल जाती है पानी। खुशी जरा देखो सामान ना ले जाओ कुछ। पूरा बोल के जरूरत अंदर में खींचो गया। अब मैं इसको कैसे बताऊँ, मैं पहले से काम वाली बाई के साथ नहा रहा हूँ। हाँ?
सनी हाउ वाज योर लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन सबके जैसा था। इंडिया में थी आप या यूएस में भी आपका घर है आपका? दोनों, आधा यूएस में आधा यहाँ। अच्छा, इनफैक्ट मैं यूएस से घर में गया हूँ एक बार, एलए वाले घर में। हाँ, रात को 4 बजे गया था क्योंकि मैं लेट पहुंच, ये नहीं आप गलत मत सोचना। आपने क्या नाम बताया मैम अपना? मेरा नाम धरती है। धरती? धरती। और ये क्या है, धरती पे बोझ? सोहेल खान जी है वहाँ पे। देखो देखो, ये सोहेल खान सर, आपके भाई भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, सलमान खान जी का। बर्गर खाएगा? ए राजा जी ए तारे तारा हल। रिप्लाई दो। हाँ, सजनी रे डाउन टू अर्थ है बेचारा। जैसे अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा रिश्वत चल रहा है, आप वहाँ महिला का ड्यूटी लगा दीजिए, रिश्वत में 90% की कमी आ जाएगी। रीजन क्या कि रिश्वत एक गलत चीज है, आप इसे लीगली या खुलेआम नहीं ले सकते, उसको साइड में आना पड़ेगा। तो किसी को भी रिश्वत देते हैं तो कहते हैं ना, तनी मिश्रा जी तनी साइड, अब महिला रहेगी तो क्या कहें, चलिए ना साइड में। तू जाफर दे देंगे ना, दूसरा केस हो जाएगा। वो कह रहे हीरो तुम्हारी शक्ल है ना, उससे गोरा घुटना होगा मेरा। दिखा दो घुटना, तुम्हारा कैसे घुटना है देखो ना। यहाँ दिखा नहीं सकता पब्लिक में। क्यों दिखा सकते हैं? पैंट फाड़ लो ना। तुम्हारे तरह थोड़ी हूँ ऐसे, ये क्या समझ रहे हो, बहुत कूल लग रही हो तुम। और क्या हॉट लग रही हो, तुमसे पता है जैसी तुम्हारी टांग है ना, इससे मोटी बगले की टांग होती है। तूने शादी का डिसीजन ले लिया तो कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी करना। अब हर लड़की तो तेरी बहन जैसी नहीं होगी ना। ले तो अपने जीजू से बात कर, यही बताएंगे तेरे को कि एक परफेक्ट वाइफ क्या होती है। परफेक्ट बीवी ना कभी तंग करती है, ना कभी जिद करती है, ना कभी झूठ बोलती है, कभी शक भी नहीं करती, ना कभी पैसे मांगती है, ना कभी शॉपिंग पे जाती है, और ना इस दुनिया में पाई जाती है। झूठा जगरन बस। ओके ओके ठीक है। मुझे खतरनाक मीम कौन सा लगा था तेरे, खेसारी लाल यादव वाला, बचपन में माई ने तुम्हारे दूध पिलाया था या तेजाब, सही बोला ना मैंने, मैं भूल गई होगी नहीं तो डायलॉग, बट जो भी था खतरनाक था। और वो नीली चट्टी, ये किसी ने कभी सोचा था क्या जिंदगी में कि हनीमून में कौन से कलर की ये चट्टी। लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं नहीं। और ऊपर से ये वाली लड़की को जो उसने रोस्ट किया ना, घुटना ज्यादा गोरा होगा एंड ऑल, बाप रे, वो जो पर्सनल दुश्मनी हो गई उसको किसी लड़कियों के साथ, ऐसा हो गया उसको, खतरनाक तरीके से रोस्ट किया जा रहा है। सनी लियोनी का भी मिका सिंह बता रहे कि 4 बजे वो लेट पहुंचा, इसलिए गलत नहीं सोचना, नहीं तो हम लोग है ही डबल मीनिंग लगाने के लिए। नहीं तो आपको सबसे खतरनाक मीम कौन सबसे खतरनाक मीम कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट ऐसे भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाले, बाय।